नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। बोकारो जिले के बेरमो प्रखंड जारंगडी सीसीएल कथारा क्षेत्र के जारंगडी खुले खदान से बोल्डर खतरनाक ढंग से होती है ढुलाई। परियोजना में कार्यरत आउटसोर्सिंग कंपनी एनपीएल के डंपरों द्वारा खतरनाक ढंग से ढुलाई की जाती है, जिससे आम राहगीरों में भय व्याप्त है। जानकारी के अनुसार कथारा क्षेत्र के जारंगडी से आउटसोर्सिंग कंपनी एनपीएल द्वारा बोल्डर की ढुलाई कर खुली खदान जारंगडी ओबी में ले जाकर गिराया जाता है। इस क्रम में डंपरों में लोड किया गया बड़े बड़े बोल्डर चट्टान आधे से अधिक डंपर के बाहर लटका रहता है, जिससे यहां कभी भी दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। और आमतौर पर गुरुवार की सुबह में एनपीएल आउटसोर्सिंग कंपनी की डंपर संख्या OD35D/6859 में लदा बोल्डर चट्टान खतरनाक स्थिति को दर्शा रहा है। इसे लेकर सीसीएल के जारंगडी में टी सेंटर के समीप राहगीरों को आने जाने में भय का माहौल बना रहता है। इस संबंध में कथारा क्षेत्र के महाप्रबंधक संजय कुमार से पूछे जाने पर उन्होंने इसकी जांच कर आवश्यक सुधार की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा वह अपने कार्यकाल से सुरक्षा से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। यह है कि ये गाड़ी मुझे पता नहीं कहां से कहां जा रही है। यदि गाड़ी में बोल्डर साइड में लड़का है, पीएनबी कंपनी का है सर। हैं, पीएनबी कंपनी का है ना? पीएनबी तो कोई कंपनी है नहीं। नहीं तो कौन कंपनी चल रहा है अभी? हैं, कौन सा कंपनी चल रहा है अभी ये गाड़ी? किस किस कंपनी? अरे आप ही ना जानते हो कौन कंपनी चल रहा है। मैं तो सही सही जानता हूँ कौन कंपनी चल रहा है। तो इस गाड़ी के बारे में क्या करना चाहिए इसमें भाई? यदि गाड़ी माइंस में चलती है तो लोडिंग सही तरीके से होना चाहिए ताकि बोल्डर बाहर में ना आए। वहाँ देखने वाले लोग उसको बढ़िया से देखें। सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। कोई बोलेगा कि सुरक्षा से संबंध बना लो, सुरक्षा को तोड़ दो, नहीं बोलेगा। तो सर वहाँ के पीओ को भी तो ठीक है ना। तो यदि ऐसा कहीं कुछ होता है तो उसको संज्ञान लेते हुए ठीक किया जाएगा। और सब विषय की चर्चा बना हुआ सर कि खुली खदान से कोयला का बुरा जोरों से अवैध धंधा चल रहा है। देखिए मैनेजर साहब भी बोले थे इस बारे में, बाल गोविंद जी। बाल गोविंद जी को तो हटा दिया गया है, क्या बोलना है इसमें? इसको बोलना नहीं है। और बीच में भी बहुत से सुन रहे कि वो बैग से कोयला का माफिया पूरा निकल रहा है। ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, समझ गया ना। और जो आप लोग बोल रहे हैं उसका तो कोई अभी तक प्रूफ नहीं, मैं कैसे बोलूं? और जिनके बारे में शिकायत थी उनकी तो ट्रांसफर हो गई। मान लिया किसी का कोई ऐसा कुछ है, गलत काम कर रहे हैं, तो कोई गलत काम को प्रश्रय थोड़े देगा, वो मेरे किताब में नहीं। वी टाइम न्यूज़ के लिए बोकारो से अनिल वर्णवाल की रिपोर्ट।